जय श्री मोल की क्या हालचाल है आप सभी। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब बेच में। सो गाइस अभी टैंक का थोड़ा पोकट हो चुका है, मौसम हो रहा था बहुत ही ज़्यादा मस्त, और मैंने सोचा था मेडिकल मोटर व्लॉगिंग के लिए अभी बाइक हो गए हैं पंचर पीछे का टाइम में दिखाता हूँ आपको, किस्मत ही खराब है। देखो अभी मैं निकल ही रहा था घर से तो इतने में देखा यहाँ पे पंचर हो रखा, अभी देखा तो यहाँ कील भी लग रखी है, कहाँ दिखाता हूँ ये देखो। अभी निकल ही रहा था घर से पंचर दिख गया, टायर बैठ गया। सर मौसम इतना मस्त हो रहा, मोटर ब्लॉगिंग के लिए निकलूँ तो कितना बड़ा कील निकला, कोई तार वगैरह ही पोपट हो गया, पंचर लगवाने जाना पड़ेगा पहले। मैं तो बाइक लेके निकलने वाला था तब मैंने देखा कि अरे यार घर में स्कूटी भी तो है, शाम में पंचर लगा लेंगे, अभी स्कूटी से ही निकलते हैं। तो स्कूटी ले लिया ना पापा की, संडे ही आज पापा घर पे हैं तो स्कूटी लेके चलते मोटर ब्लॉग। सो गाइस पता नहीं कौन सी दिक्कत आई थी माइक में जो मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो हम निकल चुके हैं मोटर ब्लॉगिंग के लिए, और जो सोच के निकला था मैं कि मौसम सही है निकल जाते हैं, वो भी प्लान का पोपट हो गया। जैसे निकला बाइक लेके तो सॉरी स्कूटी लेके तो धूप आ गई है, लेकिन मौसम ठंडा ही है अभी भी क्योंकि बारिश हुई थी थोड़ी देर, बस बूंदाबांदी हुई थी इसलिए पानी दिख नहीं रहा होगा आपको। तो वैसे बाइक चलाने के बाद स्कूटी चलाने में इतना वो हल्का फील होता है ना, जैसे लगता है इनको चला रहे हैं बिल्कुल साइकिल की तरह। और यही पहले स्कूटी चलाता था तो बाइक की आदत नहीं थी, तो बाइक लगती थी ऐसे, टाइम के साथ सब चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही घूमते हैं यहाँ पे थोड़ी देर। देखो अभी लगते लगते बची है, पावर ब्रेक मार दी इसने एकदम से, आगे वाले की गलती की वजह से मारी होगी। देखो इंडिकेटर राइट का जला रखा था कैब वाले ने और लेफ्ट मुड़ गया, गलती किसकी हुई। इस रोड पर इतने स्पीड ब्रेकर ने क्या बताऊं, मैंने पहले सोचा था कि बाइक में पंचर लगा के लूँ, लेकिन फिर एकदम से दिमाग में आया कि अरे यार स्कूटी भी तो है पापा की, स्कूटी से चल लेते हैं, कभी कभी नया ट्राई करना चाहिए मोटर ब्लॉगिंग में। दैट्स व्हाई मैं स्कूटी लेके ही निकल गया, वैसे टाइम लग जाता पंचर लगाने में, पंचर शाम में लगवा लेंगे आराम से। सो हम पहुँच चुके हैं मदर मैटी स्कूल और सेक्टर 15 वाले रास्ते से वापस निकलूँगा घर घूम घाम के, तो उसी साइड चलते हैं अशोक नगर होते हुए। अभी थोड़ी देर 5 मिनट पहले कैसा मौसम हो रहा था, और अभी देखो धूप निकल गई। ये देखो भाई सबको लॉन्ग टर्न में घुसना जरूरी था, बोल भी नहीं पा रहा। मौसम सही हो तो सीपी वगैरह निकलते आराम से घूम घाम के आते हैं, बस बारिश ना हो मौसम सही रहना चाहिए, जैसा था ना मौसम थोड़ी देर पहले। नाउ वी शुड हैव टू टेक अ राइट, you
जैसे बादल आ जाएंगे धूप के ऊपर वैसे ही। सो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है नोएडा, वेलकम टू नोएडा का बोर्ड आ चुका है। अब चलते हैं, उन्हें कॉल और हमसे हल्का सा बच गया गाइस, अभी बिड़ते बिड़ते हल्की सी बच गई स्कूटी। मेन रोड पे देखा ये लोग कैसे चल रहे थे, इसमें मेरी क्या गलती है। अब गाइस पहुंच गए अब सेक्टर 15, स्कूटी में पिकअप है बराबर, पुलिस सर्विस रहती है ना हमेशा। इतने साल हो गए स्कूटर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नजर न लग जाए। शिट एम्बुलेंस जा रही है बहुत तेजी में, होप सब कुछ सही हो जो भी हो अंदर। रेड लाइट और हम घर पहुंच जाएंगे। अब देखो घर पहुंचने वाले हैं तो वापस से मौसम ऐसा हो गया। बस बारिश ना हो मौसम ऐसे होना चाहिए तब आता है। सही नहीं तो रेड लाइट खुली मिल जाती है। और 51 52, चलो गाइस यहीं पे कर देता हूँ वीडियो को एंड। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी गाइस। ऐसी मोटो ब्लॉगिंग की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट करके बताना, मोटो ब्लॉगिंग की वीडियो भी आती रहेगी फिर हफ्ते में दो तीन, बाकी डेली ब्लॉगिंग कंटिन्यू रहेगा। सो गाइस होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्ट।